हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए लेके आया हूं फार्मूला जिसका नाम है ई डेट। हाँ जी, ई डेट। ये क्या करता है, ये किसी भी एक दी हुई तारीख में कुछ महीने ऐड या माइनस करके आपको बता देगा कि तब क्या दिन होगा और उस दिन तारीख क्या होगी। सो आइए देखते हैं तारीख और दिन क्या होगा। तारीख तो ऑब्वियसली वही होगी बड़ी हुई। सो आइए देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे स्टार्ट डेट ली है, यहाँ पे महीने लिखे हैं। ध्यान रखना है कि महीने नंबर्स में लिखने, एक से लेके 12 तक। और एंड डेट हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि भाई 3 महीने बाद क्या तारीख और दिन होगा। इज इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट हम चुनेंगे, कॉमा लगाएंगे और बोल रहा है कितने महीने बाद की या पहले की तारीख चाहिए। तो अगर तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमने इसको एंटर करा और ये बता रहा है कि 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद दिन होगा सोमवार, जनवरी 2, 2012। और वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी इस पिक्चर इस नाम से 2012, वंडरफुल मूवी। इससे हम फ्यूचर तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, पास्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कैसे, उसके लिए ध्यान रखना है कि मंथ के आगे एक नेगेटिव साइन जरूर लगाना है, माइनस का निशान। इज इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन करा हमने, स्टार्ट डेट चूज करी, कॉमा लगाया और मंथ का निशान को हमने, मंथ के नंबर को हमने क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर दबा दिया। तो एग्जैक्टली आज से 3 महीने पहले दिन था शनिवार। सो ये है हमारा ई डेट फंक्शन, बहुत बेहतरीन फंक्शन है। ये जो आप एक्सेल फाइल देख रहे हो ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। जी हाँ, excelmadeeasy.weebly.com, यहाँ पे जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेनिंग फाइल्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाके आप मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं, जो जो मेरे वीडियोस हैं अवेलेबल आप उनको देख सकते हैं। आप फेसबुक पे जाके भी मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, ये बड़ा सिंपल सा बटन है लाइक का, लाइक कीजिए हमें यहाँ पे जाके और हमारे वर्क को शेयर कीजिए। सो दिस इज योर एक्सेल गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी एक्सेल लर्निंग।